हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी आलू, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे, तो आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। आप चाहे तो ये सब्ज़ी को सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। तो गैस पे हमने यहाँ पे रख दिया लोहे की कढ़ाई, ये लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छी बनेगी। और एक छोटी चम्मच हम यहाँ पे डाले सरसों का तेल। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम एक छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पे जीरा। एक चुटकी हम यहाँ पे हींग डाल लेंगे। अगर आपके पास हींग नहीं है तो यहाँ पे हींग की जगह आप थोड़ी सी यहाँ पे अजवाइन डाल लेंगे, डाइजेस्ट के लिए भी अच्छी होती है और इनसे भिंडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक चम्मच हम यहाँ पे डाल लेंगे ग्रेट की हुई लहसुन। और अगर आप सफ़र के लिए बना रहे हैं तो लहसुन आप ना डालें। तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो ही होनी चाहिए। उसके बाद 30 सेकंड तक हम लहसुन डालने के बाद एक अच्छे से चला लेंगे, बस लहसुन का हल्का सा कच्चापन निकल जाए। अब हम यहाँ पे भिंडी डाल लेंगे और भिंडी को एक बार अच्छे से चला लेते हैं। अब हम यहाँ पे दो आलू डाल लेंगे और आलू को आपको इस तरीके से पतला पतला लंबा लंबा काटना है, ताकि ये भिंडी के साथ अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है। हाई फ्लेम में कम से कम 4 से 5 मिनट हम इन्हें फ्राई करेंगे अच्छे से तेल में। ऐसे करने से आलू और भिंडी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो 4 से 5 मिनट हो गए, हम दोबारा से गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ पर डाल देंगे आधा छोटी चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे, 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, आधा चम्मच डाल लेंगे चाट मसाला छोटी चम्मच से डालेंगे, और आधा छोटी चम्मच हम यहाँ पर डाल लेंगे पाव भाजी मसाला। उसके बाद एक बार अच्छे से चलाते हैं। इसमें चाट मसाला और पाव भाजी मसाले का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ये मसाले ज़रूर डालें। अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं आधा चम्मच जीरा पाउडर। कम से कम 6 से 7 मिनट हमें लो फ्लेम में इसे और पकाना है। इससे आलू बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और भिंडी भी हमारी बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए आलू को एक बार चेक कर लेते हो, आलू हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे ऊपर से और दोबारा से इसे अच्छे से चला लेते हैं एक बार। अब हम यहाँ पे डाल लेंगे 2 चम्मच यहाँ पे हम नींबू का रस डाल देंगे। तो भिंडी में अगर हम नींबू का रस डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालें। और इसके बाद एक बार और अच्छे से चम्मच से चला लेते हैं। तो बस हमारी मसाला आलू भिंडी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में रखे, पूरी पराठे के साथ खाई, बहुत टेस्टी लगेंगे। वैसे भी बच्चों को भिंडी बहुत अच्छी लगती है, तो आप उन्हें इस तरीके से बना के ज़रूर दें, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगी। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपको अगली ही कैसी नई रेसिपी के साथ। तब टेक केयर।